अगली खबर में बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की जयंती को लेकर। आपको बता दें कि राज्य शासन द्वारा स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को प्रतिवर्ष युवा दिवस के रूप में मनाए जाने के अनुक्रम में 12 जनवरी को प्रदेश के सभी विद्यालय महाविद्यालयों शिक्षा संस्थाओं पंचायत और आश्रम शालाओं आदि में प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रगीत तथा मध्य प्रदेश गान का सामूहिक गायन हुआ। इसके बाद सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम हुआ। कार्यक्रम में पूर्व की भांति रेडियो से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रिकॉर्डेड संदेश का प्रसारण किया गया। सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम पूरे प्रदेश में एक साथ एक समय और एक संकेत पर किया गया। कार्यक्रम में किसी भी संस्था छात्र एवं छात्रा का भाग लेना पूर्णतः स्वैच्छिक रहा। सूर्य नमस्कार में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के तथा विद्यालयीन विद्यार्थी शामिल हुए, जबकि प्राथमिक शाला में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे सूर्य नमस्कार में दर्शक के रूप में उपस्थित रहे। रीवा के मार्तंड स्कूल ग्राउंड में आयोजित सूर्य नमस्कार में जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं सूर्य नमस्कार की कुछ झलकियां और सुनाते हैं जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा है। गौरवशाली तारीख है जिस दिन एक ऐसे महामानव का इस धरती पर अवतरण हुआ। हस्तो उत्तान आसान, धीरे धीरे सांस को भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर की ओर। अरे भैया, अखंड शरीर का जमीन में अष्टांग प्रणाम, 7 भुजंगासन, दोनों हाथ जमीन में आसमान की ओर देखेंगे ये भुजंगासन, 8 पांच पैर पीछे, 10 पदहस्तासन, यथाशक्ति सभी झुकेंगे, 11 हस्त उत्तान आसान, धीरे धीरे, 2 हस्त उत्तान आसान, 3 पदहस्तासन, आराम से झुकेंगे, 4 बाएं पैर पीछे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, 2 3 4 आसुसंचालन, बाएं पैर का घुटना जमीन में, सामने देखें, 5 पर्वताकार, दोनों पैर दाएं से श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास लेंगे और बाएं से छोड़े, इस तरह से हमारा ये अनुलोम विलोम प्राणायाम समाप्त। ही अच्छा हमारे अतिथि की जयंती को हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और युवा दिवस के रूप में मनाते हुए एक योगा सत्र, योग अभ्यास हम सभी के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, हमें स्वस्थ रखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से। स्वामी विवेकानंद जी ने सूर्य नमस्कार का जो आह्वान किया था, उनका कहना था कि जब तक मनुष्य का शरीर स्वस्थ और मजबूत नहीं होगा, हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने में कभी भी सक्षम नहीं हो सकते हैं। और इसलिए आज के दिन सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का जो मध्य प्रदेश सरकार का निर्णय है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर आज सारे प्रदेश में स्कूलों में सूर्य नमस्कार के आयोजन के अंतर्गत जो आज यहाँ पर आयोजन हुआ है, उस आयोजन पर में उपस्थित हमारे रीवा के कलेक्टर
आदरणीय मनोज पुष्प जी, एसपी नवनीत भसीन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, शिक्षकगण, प्यारे बच्चों के साथ सूर्य नमस्कार करने का जो आयोजन हुआ है वो सिर्फ हमारे रीवा में, हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे देश में नहीं हो रहा है, ये सारी दुनिया में मोदी जी के आह्वान पर योग को सारी दुनिया के 126 देशों ने अंगीकार कर लिया है। हम कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, 21वीं सदी चल रही है, भारत विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगा और भारत के आह्वान पर सारी दुनिया योग कर रही है। ऐसे विश्व गुरु बनने की दिशा में हम लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ने लगे हैं। उस महापुरुष की भविष्यवाणी के साकार होने का संयोग बनता हुआ दिखाई देने लगा है और आने वाले वर्षों में भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, वो साकार होने वाला है। ये हम सब के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। ऐसे योग दिवस के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। नए वर्ष की 100 साल तक उम्र, लेकिन प्रतिदिन 13 बार करना पड़े। हाँ, 13 से अधिक करे और मेहनत करे, तो इसके लिए सारे लोग क्या रहे नहीं जा रहे बच्चे। प्रतिदिन 13 बार सूर्य नमस्कार करने का आदत शुरू करेंगे। सूर्य तीन करिए, विवाद करिए, विवाद करिए, अब जब 13 होने लगेगा तो फिर 13 से कम करोगे तो फिर मन ही नहीं मानेगा। मन क्यों? जी जी सर। तो बोलिए भारत माता की।